एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारा खाना होने वाला है इस वीडियो में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एंड तक वीडियो में बना रहना होगा। पूरी अमेजिंग जो माउथ वाटरिंग की आपको हम सीरीज लेके आए हैं उसके लिए। और सबसे पहला जो हमारा स्टॉप है वो है राम भंडार। यहाँ पे बहुत अमेजिंग मैंने सुना है कचौड़ी और आलू की सब्जी मिलती है। कचौड़ी कह लीजिए, पूड़ी कह लीजिए, अगर आप नॉर्थ इंडिया में तो पूड़ी ही कहेंगे, और अगर आप यहाँ बनारस काशी में तो यहाँ पे लोग उसको कचौड़ी का नाम देते हैं। आइए मैं माउथ वाटरिंग ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं उसका स्वाद। चलो आप दुकान पे नहीं आएंगे, आप इस दुकान की पॉपुलैरिटी नहीं जान पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा फेमस ये दुकान है और संडे का दिन है वैसे भी, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लोगों की यहाँ पे भीड़ लगी है। कोई अपने घर पे पैक करा के लेके जा रहा है, कोई यहाँ पे आके खा रहा है। और सबसे अमेजिंग बात जो मुझे यहाँ पे आके पता चली कि यहाँ पे जो भी बनाया जाता है वो प्योर देसी घी के अंदर बनाया जाता है, चाहे वो पूड़ियाँ हो, चाहे वो जलेबी हो, चाहे वो इनकी जो सब्जी है वो हो। आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस, आई एम श्योर आप भी होंगे। तो देखते हैं कैसा इसका स्वाद, हाउ टेस्ट करते हैं। भाई बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, वेट जो है वो वर्थेड है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से यहाँ भीड़ लगी है आपको लाइन में लग के यहाँ पे अपना नंबर लेना पड़ेगा, और इसीलिए शायद हमें भी बहुत इंतज़ार करना पड़ा इस प्लेट के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खस्ता कचौड़ी है, बिल्कुल इसका जो टेक्सचर है वो बेडवी पूरी की तरह है जो हमारे दिल्ली में बहुत अमूमन मिल जाती है। इसके साथ ये जो सब्जी है ना, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा केकेस है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एक साथ डाले हुए हैं, चाहे वो चना हो, चाहे वो आलू हो, चाहे वो हरी चटनी हो, या चाहे वो उसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो छेना से बना है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो उन्होंने मुझे बताया वो बहुत अमेजिंग चीज़ है। चाहे वो चाहे वो उसके मसाले हो या स्पाइसी, दो सबसे खास बात है कि यहाँ पे जो भी कुछ बनता है वो देसी घी के अंदर बनता है, तो शायद उसका जो स्वाद है वो दोगुना हो ही जाता है। एक पूड़ी और सब्जी अगर आप लेंगे तो इसकी कीमत है मात्र 22 रुपये। जितनी पूड़ी आप एक्स्ट्रा लेते जाएंगे तो आपको 22 रुपये पर पूड़ी के हिसाब से देने हैं। आइए ट्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं जी क्यों है राम भंडार की पूड़ी और सब्जी सबसे ज़्यादा फेमस पूरे काशी में, पूरे वाराणसी में। तो ये है जी वो पूड़ी, देखिए बिल्कुल एकदम टेक्सचर इसका बेडवी पूरी की तरह है और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब भी है। और ये है जी वो सब्ज़ी जिसके अंदर बहुत सारे मिश्रण हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया चना है, आलू है, छेना से बना हुआ सब्जी है जिसको एक गोशा बोलते हैं, साथ में उसके करी है जो कि एकदम मसालेदार है, लटपटी है। बाइट लेते हैं, भाई बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब है। सब्जी के अंदर ना वो सब कुछ है जो कि एक अमूमन करी के अंदर होना चाहिए, मसाले बहुत अमेजिंग तरीके से इसमें डाले हुए हैं। उसके बाद जो खटास है चटनी से वो भी बहुत अच्छी आ रही है, उसके बाद चना का एक अपना जो क्रंच है वो आ रहा है, उसके बाद आलू बहुत अच्छे से रले हुए हैं, उसके बाद जो छेना जो इनका स्टार इंग्रेडिएंट है इस सब्ज़ी का, भाई उसने तो कमाल ही कर दिया, एकदम मेल्ट इन योर माउथ है और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब भी। तो एक बाइट तो और बनती है, ओहो हो, इट इज़ सो गुड भाई। मैंने बहुत जगहों में पूड़ी खाई है और सब्ज़ी भी खाई है, लेकिन ऐसी शायद नहीं खाई, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है ना इसने तो भाई वट काट दिए, इसने तो मज़े दिला दिए, इसने तो बिल्कुल ही मतलब इनकी दुकान पे चार चांद लगा दिए, मज़ा आ गया खा के। कभी भी आप वाराणसी आएंगे ना तो राम भंडार आके इसको ट्राई करना मत भूलना यार, बाकी सब छोड़ देना, लेकिन ये ज़रूर ट्राई करके जाना। और मुझे कमेंट्स में जाके बताना कि आपको ये जो कचौड़ी सब्जी है या पूड़ी सब्जी हम बोलते हैं आपको कैसी लगी।